कैसे हो? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो गाइस, आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ पूजा पहाड़ी की सबसे छोटी बहन लक्ष्मी। दोस्तों सामने का नज़ारा देख सकते हैं, एकदम फर्स्ट क्लास खिलखिलाती धूप के साथ आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और यहाँ से हमारे सूर्य देवता के आश्रय अभी हम आ रखे हैं धारे पे पानी लेने के लिए। और यहाँ पे हमारे दीपक भाई के भी दर्शन हो गए। दीपक भाई, राधे राधे, जय श्री राम। जय श्री राम। और ठीक हो? सब बढ़िया, आप ठीक होंगे? बस बस, मस्त मस्त। पानी ठंडा हो रहा है? गर्म? गुनगुना टाइप का, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। हाँ जी हाँ। और आपके पेपर कब से हैं? 19 फरवरी से, ऐसा बोल रहे थे लोग, मुझे तो पता नहीं है। मेरी बाल्टी भी भर चुकी है और अब जाते हैं घर की तरफ। हमने भी यहाँ पानी भर लिया और हाथ पैर धो लिए हैं अपने। ये है दादा की बकरी, देख सकते हैं। और ये है दादा। दादा कैसा लग रहा फिर आपको आज जंगल आ रहे हो? बेकार दी छोड़े आने बना वीडियो। तो दोस्तों, हमने बना रखा है दिन के खाने में राजमा चावल। काफी टेस्टी हो रखा है राजमा चावल। और तब तक के लिए आप भी खाओ और हम भी खाते हैं। इन पहाड़ों के बीच खाने में बहुत आनंद आता है और साथ में धूप हो तो। अम्मा कहाँ जा रहे हो आप? जंगल जा रहे हैं आप? अकेले? अकेले नहीं है, साथ में और आ रहे हैं। कहाँ है वो? ओ उधर कसानी बोलते हैं, पटेल झाड़ने। आपके हाथ में क्या क्या है इसके बारे में बताओ। ये देखो, ये पत्तियां झाड़ आते हैं और फिर गाय में के नीचे से बिछाते हैं, फिर उसे जाड़ा हो जाता है, उसे थोड़ा गर्माहट आती है। आजकल कितने ठंडे के दिन आ गए हैं, देखो यहाँ कितनी बर्फ तो पड़ नहीं रही है और सूखा पड़ गया है। हाँ, पहाड़ों में आजकल बहुत ठंड हो रहा है। हाँ, आलू लगाने के भी दिन आ जाते हैं, अभी बर्फ का पता ही नहीं है। और अम्मा ने हाथ में ग्लव्स भी पहन रखे हैं, ठंडा काफी है तभी तो। कहाँ जा रहे हो? हम दुकान में। क्या लाते हो? वो पापा हल्द्वानी गए हैं ना। अच्छा, सामान आ गया है, राशन तो चाहिए खाने के लिए। और हमारे चाचा जी लेके आ गए दुकान से रेता। कैसे हो? ठीक है। हमारे गांव में सड़क नहीं है तो हमें घोड़ों के सहारे से ले जाना पड़ता है कोई भी सामान हो तो। देख सकते हैं यहाँ से पानी बहुत लीक हो रहा है और ये प्रशासन का बहुत बुरा काम है, जो कि यहाँ से इतना पानी वेस्ट हो रहा है और पूरा रास्ता कीचड़ से भर रखा है, तो यहाँ पर आने जाने में बहुत दिक्कत होती है हमें। तो जिसने भी ये काम कराया है उनसे अनुरोध है कि कृपया करके इस पाइपलाइन को अच्छे से फिट करें और यहाँ पर इतना पानी वेस्ट हो रहा है। तो दोस्तों, आज हम अपने घर से थोड़ा दूर आ रखे हैं, यानी कि हम अपने सुंदरखाल वाली मार्केट आ रखे हैं। तो देख सकते हैं अभी का व्यू बहुत बढ़िया लग रहा है और देख सकते हैं सामने धूप भी चली गई है। और यहाँ से भी हमारा जो हिमालय की धार है वो एकदम साफ दिखाई देती है। और देख सकते हैं बीचों बीच जंगलों के बीचों बीच ये घर कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। इस वाले हिस्से को बोलते हैं गंगा भीड़। दादा, ये किसका घर है? सेठ लोगों का। तो दोस्तों देख सकते हैं लोग बाहर से आके और यहाँ पर बस गए हैं और इतना बड़ा यहाँ पर रिजॉर्ट खोल दिया है। तो दादा, क्या ये यहाँ पर बाहर से लोग आ गए आपको सही लग रहा, हमारे गांव में जैसे आके बस गए? नहीं लग रहा। तो हम गए थे सुंदरखाल की मार्केट पे सामान लेने के लिए, पापा गए थे हल्द्वानी। और देख सकते हैं दादा के हाथ में है मिक्सी और ऊपर से आलू का कट्टा। दादा पीछे मुड़, और दादा के पीठ पे है बैग। तो देख सकते हैं दादा को पूरे लाद रखा है, मेरे सर पर भी था। पापा इतना सारा सामान लेके आए थे हल्द्वानी से और दादा की देख सकते हैं हालत डाउन हो गई है। और ये जो तेल का डिब्बा है इसको मैं लेके आई थी, और जो ये पिंक कलर का झोला है इसको भी मैं लेके आई थी। और ये तीन चीज़ों को दादा लेके आई थी, जो कि दादा की हो चुकी है हालत डाउन। दादा बोले कि मेरे खून के दौर बंद हो गए। आप तो गाइस देख सकते हैं दादा इतनी चोर है। उगले लेके हम जीत सके उगले न का छिक, तू चोर छी, तू भी हो ना। ये तो काम कर को यार। ठीक,
बंद का खुली तो दोस्तों जैसे कि हम ज़्यादा बहुत शो है अकलीब। हम पहुंच गए हैं घर और देख सकते हैं यहाँ पर दादा की बहुत खतरनाक हालत हो चुकी है। दादा भाई और दादा भाई दादा की हालत बहुत डाउन हो गई है। अब हम अपने जितना भी सामान है उसको अंदर को समेटते हैं। चल दादा उठा इनको। आज भी हम जा रहे हैं नीचे वाले खेत में, दादा घास काटने के लिए जा रही है और मैंने बनाना है सूखी पत्ती। और ये है दादा का लुक आज का, वही पापा के हवाई चप्पल और हाथ में गज्जा और आज हाथ में है दादा की दातुली। और दादा ठीक हो? थोड़ा इधर को देखिए, बोलो ठीक ठाक सब? कुछ कमी वाणी नहीं, अच्छी वाणी। हाथ फटेगी खुट फटेगी फटेगी चपाल। हम उलझन्छ खेत में खेत भते दूर। तो गाइस हमारा खेत बहुत दूर है इसलिए हमें बहुत चलना पड़ता है। यहाँ से हमारा घर आधे घंटे का रास्ता होगा लगभग। और यहाँ पर देखते हैं दादा दराते के सहारे खेल खेल रहे हैं, वो भी बचपन के। वो दिन बचपन के अब हो गए हैं हम बड़े, तो घास भी काटना पड़ता है। थोड़े दिन बाद आप हो जाओगे बुढ़े। नहीं बुढ़े काहे, सूखी पत्ती खट्टा कर ली है। और ये सामने मेरा गज्जा है और ये है हमारा दादा भाई का गज्जा। यहाँ पर दादा भाई काट रही है घास। और दादा भाई कस लागना पर घाटन में, इधर को एक दो एक बार हेलो गाइस बोल दो। हेलो गाइस। तो गाइस देख सकते हैं दादा घास भी काटती है, काम भी करती है और थोड़ा गन गन भी करती है, पैरों को भी दंदनाती है, पर दादा बहुत काम करती है। जो सारा खेत दिखाई दे रहा है ना, इसकी सारी घास मैंने काट रखी है अकेली हो भी। हाँ दादा ने काट रखी थी। दिखा दिखा। जब भी दादा को गुस्सा आता था दादा नीचे को आ जाती थी और इतना ये जितना सारा भीड़ा मैंने काट रखा है। आज तो भल भल साड़ी पहनी की तो एकदम गुलाबी धुए थी। ईजा भी आ गई है अपने पशुओं के लिए घास बांस की पत्ती बना के। ईजा तो दोस्तों देख सकते हैं ईजा इतनी चढ़ाई से चढ़ के आ रही है, तो ईजा को हम थोड़ा सा सांस भिजाने देते हैं। ईजा के सर पे देख सकते हैं ये है बांज, बांज की गठी है ये। तो ये कैसे बनाया आपने? वैसे ही बनाया नीचे से, नीचे से छोटे छोटे पेड़ होंगे बांस के। ईजा ने भल भल शर्ट पहन रखी है देख सकते हैं, बहुत अच्छी होगी। सारी फोटो ले लो मेरी। और ईजा ने बनी स्वेटर भी पिंक, वहा और अंदर से ये कतु भल भल बनीन पहन के काल बन रखी है। ये मेरी बहू ने बना रखी है। गजब यार, तुम्हारी बहू भी देखती है ये चैनल, कुछ बोलना चाहोगे अपनी बहू के बारे में? बहू के बारे में बहुत रोज बोल दिए की के? क्या कर रही हो, स्वास्थ्य तो कैसा है? बाय बाय पे घर ले जाओगे हमारी? रख दो इसके ऊपर से, बाय बाय। नातनी भी बोल दी है हम तेरे को रोज देख रही हो। तो दोस्तों आज हम फिर से बना रहे हैं एक स्पेशल डिश, इसका हम आपको नाम नहीं बताएंगे। जो भी पहाड़ी लोग होंगे वो कमेंट बॉक्स में बताना इसका नाम क्या है। तो देख सकते हैं गर्मा गर्म बन गई हैं ये जो भी हम बना रहे हैं। रसगुल्ले, रसगुल्ले बना रहे हैं आज हम, देख सकते हैं गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन। आज हमने बनाए गुलाब जामुन, गुलाब जामुन बनने हैं यहाँ क्लास असली वाले। जो हम डिश बना रहे हैं वो तैयार होके कुछ इस तरह से हो रहा है इसका लुक, जो कि बहुत टेस्टी लग रहा है देखने में। और हाँ इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो रहा है देख सकते हैं। हमारी बुढ़िया के हाथों में जादू है जादू। और यहाँ पर बन के तैयार हो गए हैं ये चार, इसको हम अपने निंगल वाली टोकरी में डालेंगे जो कि वाह मम्मी। गाइस सामने का नज़ारा देख सकते हैं एकदम अनरपट्टा हो रखा है, अंधेरा हो रखा है और इतनी अंधेरी रात में दादा धो रही है अपने आंगन में बर्तन। दादा अब इधर को देखो, दादा खाना खा लिया आपने? क्या खाया खाने में? गोभी का भुटवा। तो ये इतने सारे दादा ने बर्तन धोने हैं, ठीक है फिर आप बर्तन धो। तो दोस्तों अब हम सोने के लिए जाते हैं, यहाँ पर मम्मी घूर संभाल लिया। और आज आपको हमें मम्मी का वो दिखाऊंगी संदूक, इसमें मम्मी ने हमारे लिए रखे हैं खाने की कुछ चीज़ें। यहाँ पर संतरा रखा है, यहाँ पर केले और ये है नमकीन
मैं नमकीन कबक से हूँ। इसको 4 दिन होंगे जब हमारे वहाँ तैयार था ना उस दिन के है। और इसमें भी मम्मी ने कुछ रखा है, पता नहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और इस पोटली में भी मम्मी ने कुछ रखा होगा, भात रखा है, जो हम इसकी अनबॉक्सिंग नहीं कर सकते अनबॉक्सिंग मम्मी को बिना पूछे। कौन मम्मी बिना पूछे कौन करता है सर?